लुगा निकला मुंह से, तो मुंह से निकला बाद में कहाँ गैस निकली है पता नहीं, रात को ज़्यादा ठंड होगी तो। किलोमीटर्स मोर टू गो, इतना इतना ऊंचा आ चुके हम लोग, चारों तरफ फॉग है देखो, बट ताकत नहीं बची दोस्तों, बिल्कुल नहीं बची ताकत, चले नहीं जा रहा अभी, नहीं हो रहा। ओफ पंगा ले लिया, बड़ा पंगा ले लिया आज। फाइनली आ गया, फाइनली कालिनचौक कुरी युवा क्लब हार्दिक स्वागत करता है, हिंदी में बोल रहा हूँ, नेपाली में लिखा है हार्दिक स्वागत गर्दछौं, बोलो गर्दछौं, हाँ गर्दछौं बोलो गर्दछौं, अरे गर्दन ही नहीं चल रही है इधर आप पे छौं छौं चाव चाव भी नहीं मिल रहा इधर। फाइनली आ गया गाइस कालिनचौक, ये देखो प्रूफ है हमारे पास, 19 किलोमीटर चलने के बाद आया ये, इधर गीला हो गया पूरा, ऊपर आने के बाद ना ना बंदा है ना बंदे की जात है, कुछ नहीं है यहाँ पे यार, कम से कम मैं लास्ट 10 किलोमीटर से देख रहा हूँ यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं, दूर दूर तक आपको कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ गाय दिखाई देगी, गाय है, गाय गाय बहुत है यहाँ पे, बट देखो सब जगह पे फॉगी फॉग है, बट हाँ फाइनली आके मजा लग रहा है, 19 किलोमीटर के बाद आया है ये, पता है कि गूगल में 18 किलोमीटर बता रहा था, साला 19 किलोमीटर है ये कुरी विलेज, अभी हालत खराब, बस आप मोबाइल पकड़े नहीं जा रहा ऐसा, मेरा ये पूरा पेन कर रहा है, बट वर्थ है, वर्थ, अब ऐसा जान आई है जान, ऐसा 3-4 किलोमीटर पहले ऐसा लग रहा था ये यार बस हो गया, अब बस नहीं होगा, चला नहीं जाएगा, बट फाइनली यहाँ पे आने के बाद वो जान आ रही है। गाइस अब रिटर्न तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 3:45 हो रहा है, हम लोग 7 o'clock को निकले थे, 8 hours, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 hours, 8 and a half hours हम लोग चल रहे हैं, एंड बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लेके चल रहे थे, एक्चुअली कोई स्टे वगैरह मिलता है या नहीं वो नहीं पता हम लोग का प्लान ऐसा था कि 7 o'clock को निकलेंगे, 5 hours में पहुँच जाएंगे, 5-5.5 घंटों में, और 12-12:30 बजे यहाँ पे पहुँच के हम लोग 3 o'clock को यहाँ से निकलेंगे और 8 o'clock तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे घर पे रिटर्न, बट अभी यहीं पे 3:30 बज रहा है तो यहाँ पे से रिटर्न जाने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या है और एंजॉय करो द जर्नी एंड नाउ एंजॉय द डेस्टिनेशन, अब यहाँ पे जर्नी एंजॉय कर लिया गाइस, अब डेस्टिनेशन एंजॉय करेंगे, हाथ दर्द कर रहा है मोबाइल भी नहीं पकड़ी जा रहा तो मुझसे, जाते कुरी विलेज में जाते एंड वहाँ पे नेवर एवर गिव अप, टाइगर है टाइगर, रोर का रोर, अभी यहाँ पे आके एनर्जी मिल रही है, इससे एनर्जी मिल रही है ना, बस एक घर मिल जाए या तो कुछ मिल जाए ऐसा कि रात गुजारने का जुगाड़ हो जाए, उसके बाद कल हम लोग सुबह निकलेंगे फिर वहाँ पे चरीकोट जाएंगे, कुरी विलेज जाते हैं अभी। मुझसे नहीं कर रहा बाद में कहाँ कहाँ से निकले पता नहीं, रात को ज़्यादा ठंड होगी तो। गाइस हम लोग कुरी विलेज पहुंच चुके हैं एंड दिस इज, ये बहुत छोटा सा विलेज है बट इतना ब्यूटीफुल है यहाँ पे, एक्चुअली ये देखो ना अभी बारिश हो रही थी, अभी पूरा फॉगी फॉग है यहाँ पे, इतना ठंड है मुँह से धुआं निकल रहा है सबके, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल विलेज एंड यहाँ पे केबल कार का सर्विस शुरू हो रहा है, यहाँ पे ऊपर देखोगे ना
ये अभी बादल ने ढक गया है, केबल कार का सर्विस शुरू हो रहा है, जब केबल कार चालू होगा तो टॉप तक जाएगा। बहुत ही ऑसम प्लेस है एंड हमने काफ़ी जगह ढूंढा एंड देन वी फाइनली फाउंड अ गुड प्लेस वेर वी कैन स्पेंड दिस स्पेंड आ नाइट एंड आज जो रात है हम लोग काट सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग को अच्छा रूम मिल गया है, ऊपर है रूम, आपको रूम दिखाऊंगा, वीपी भोजनालय एंड लंच, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, अच्छा रूम है ऊपर एंड खाना भी अच्छा है। खाना कंपैरेटिवली चरीकोट से यहाँ पे थोड़ा हाई है रेट, बट ये एक जगह का नहीं है, सारे जगह का ऐसे ही रेट है, हमने दो तीन जगह पूछा सब जगह का ये रेट है, तो बट इट इज़ गुड एंड यू कैन कम हियर। अभी हमने एक्चुअली चाव चाव ऑर्डर किया है, भूख लग रही थी ना तो थोड़ा चाव चाव खाएंगे। यहाँ पे हमने रूम बुक किया है, इट इज अ डिफरेंट प्लेस, रूम बुक किया है, सस्ते ही मिल गया है, तो हम लोग अभी बजट नहीं है, खुला रूम। ये रूम है, आपको रूम अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, लाइट गई है रूम में, दिस इज आवर रूम, छोटा सा रूम है, दो बेड है, चार छह ब्लैंकेट भी है, अच्छा रूम है। हम लोग को जैसा चाहिए था, हम लोग कल सुबह निकलने वाले तो क्या बुरा है रात के करने के लिए। तो यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है, वो रास्ता भी दिखाऊंगा आपको, कालिन चौक मंदिर तो काफी ऊपर है, वहां से हम अगर मतलब राइट टाइम पे पहुंचा और क्लाइमेट अच्छा रहा, वहां से माउंट एवरेस्ट दिखता है, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। हम लोग सुबह निकलेंगे कल, दैट्स इट गाइस। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है एंड बाकी हम लोग दोनों इतने थक गए हैं, मतलब अभी ऐसा सोएंगे ना हम लोग, चौड़ा होके कि आप सोच नहीं सकते हो, अच्छा तो फिर बाहर बारिश हो रही है एंड यहाँ का क्लाइमेट इतना ठंडा है कि मुंह से धुआं निकल रहा है। आई होप यू, क्यों ऐसा मुंह बना रहे, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा एंड मच।